सबसे पहले बात करते हैं सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग को देखते हैं, सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग। इस तरह का मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है, आप अपनी डेट को सॉर्ट करना चाहते हैं किसी पे भी, देखिए नेम को सॉर्ट करना चाहते हैं, उस पर बस क्लिक रखिए और यहाँ होम टैब में आपके पास यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ही ऑप्शन है। सॉर्ट ए टू जेड पहला ऑप्शन, ये आपका ए टू जेड सॉर्ट कर देगा। जैसे एच इसमें पहले आ रहा है, फिर एम बाद में आ रहा है। अभी यहाँ क्या था कि बाकी नीचे यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, इस कारण से ये इसने रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया था। बाकी मैं इसको पेस्ट एज वैल्यूज कर देता हूँ, देन अगेन करता हूँ। इसमें सॉर्ट एंड फिल्टर में ए टू जेड गया तो इसने सॉर्ट कर दिया डेटा, मेरा नेम वाइज सॉर्ट कर दिया, अकॉर्डिंगली इसके साथ वाला पूरा डेटा भी सॉर्ट हो गया। ठीक है जी, हरीश हरीश एक जगह आ गए, उसके साथ का डेटा एक जगह आ गया। मान लीजिए सिटी को मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो सिटी मेरी सॉर्ट हो गई, दिल्ली का डाटा आ गया, फरीदाबाद का डाटा आ गया, हिसार का डाटा आ गया। तो इस तरह से आपका सॉर्टिंग काम करता है। असेंडिंग डिसेंडिंग दो तरह से आप सॉर्ट कर सकते हैं, यानी ए टू जेड जेड टू ए। डेट में यही चीज़ करेंगे तो क्या होगा, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपके पास कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में देखेंगे, इसमें आप कई लेवल तक की सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि मेरा नेम सॉर्ट हो जाए, देन उसके बाद नेम ए टू जेड सॉर्ट हो जाए, देन उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि हर एक की जो सेल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आनी चाहिए। मैंने सेल सिलेक्ट किया और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सिलेक्ट कर लिया, तो हर एक नेम की, जैसे हरीश का डाटा है तो सबसे हाईएस्ट सेल से डाउन होती 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 हरीश की एक जगह इकट्ठी हो गई। इसी तरह महेश की हाईएस्ट से स्टार्ट हुई और होती होती लास्ट में सबसे कम पे चली गई। तो इस मेथड से आप सॉर्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सॉर्टिंग जो है खाली वैल्यू के बेस पे ही नहीं, अब मान लीजिए मेरा कुछ डेटा था, अब मैंने हाईलाइट कर दिया है, या कुछ रिकॉर्ड्स में गलती थी, मैंने ऑडिट किया, वो पॉइंट्स हाईलाइट करता चला गया मैं। अब मैं चाहता हूँ जितना मेरा हाईलाइटेड डेटा है वो टॉप पे आ जाए, तो मैं इसके लिए यूज करूंगा कस्टम सॉर्ट को। और इसमें जो ये सेल्स वाली फील्ड में जो मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ, या मैं इसको हटा देता हूँ, नेम वाइज नहीं चाहिए, मैं सेल्स की फील्ड में मैं चाहता हूँ कि जो सेल कलर के बेस पे, सेल कलर कौन सा लेना है हमें, यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे तो ये अवेलेबल कलर्स जो भी हमने यूज किए होंगे इस रो में, इस कॉलम में, तो हमें आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, मैंने सिलेक्ट कर लिया, कहाँ पे रहना है, टॉप पे रहना है, टॉप और बॉटम इसका प्लेस आप चूज कर सकते हैं। तो मैंने टॉप पे कहा, मैंने कहा सेल कलर येलो वाले टॉप पे आ जाए। ठीक है जी, येलो वाले आ गए टॉप पे। अब देन मैंने कुछ अलग सॉर्टिंग कर दी, मैंने कहा कि कुछ और भी डेटा है मेरे पास, ये मैंने अलग अलग कलर से इसको वो कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि पहले येलो आए, देन मेरे पास जो आए ये पिंक वाली आए। मैंने क्या करना है, कस्टम सॉर्ट में जाना है, एक और लेवल ऐड कर देना है, अगेन सेल्स सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन सेल कलर, सेल कलर यहाँ से चूज कर लेना है कौन सा, टॉप पे ही रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी रहेगी, सेकेंड इसकी बन जाएगी। ठीक है जी, इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। और जो कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो हम लेवल ऐड करते हैं कि पहले इसके दो ऐसे करें, फिर वैसे करें, फिर इसके से करें, तो ये लेवल आप 64 लेवल तक ऐड कर सकते हैं। 64 लेवल से ज़्यादा लेवल ऐड नहीं कर सकते, इसकी लिमिटेशन है। ठीक है जी, नेक्स्ट और चीज़ बताना चाहूँगा। अभी मैं जो कर रहा था विदाउट सिलेक्शन के कर रहा था, जितनी भी सॉर्टिंग मैंने विदाउट सिलेक्शन के की, क्योंकि मेरा डेटा बिल्कुल सही है। आपको चेक करने के लिए कि डेटा सही है क्या आपको सॉर्टिंग में आएगा, इस पे कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल ए दबाएं,
तो जो डेटा आपका सिलेक्ट हो रहा है आपका सॉर्ट उस पे काम करेगा। ठीक है जी, कंट्रोल ए दबाएंगे एक बार तो यूज्ड डेटा सॉर्ट होगा, जो कि आपका मतलब यूज्ड होगा इससे रेंज से मुताबिक होगा। दोबारा एक बार कंट्रोल ए दबाएंगे तब जाके वो ऑल सेल सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मुझे क्लिक करके कंट्रोल ए दबाना है कि देखने के लिए कि कौन सा डेटा मेरा आएगा। सपोज क्या होता है, कई बार हमारे डेटा में गैप हो जाता है, और अब यहाँ पे फुल जब आप देखेंगे कि पूरी एक रो में डेटा नहीं है, पूरी एक रो में डेटा गायब है, तब अगर आप सॉर्ट वगैरह करेंगे तो वो खाली इतने ही डेटा में देगा, क्योंकि कंट्रोल ए करूंगा इतना ही डेटा सिलेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ इसमें कर रहा है। अगर ये डेटा कैसे भी कनेक्टेड हो, मतलब इवन एक सेल इसकी भरी हो, तो भी अगर आप कंट्रोल ए दबाएंगे तो फुल डेटा लेगा, मतलब ये पूरा डेटा लेगा। अब मान लीजिए आपके पास ऐसे ही बीच में काफी सारे रेंज आ गई, ब्लैंक रेंज आ गई डेटा में, अब आपको करना तो सॉर्ट है, अब करेंगे कैसे? अब क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को पहले सिलेक्ट कर लेंगे, जहां तक आपको यूज करना है उसका सिलेक्शन ले लेंगे मैन्युअली, देन आप जो करेंगे वो वर्क करेगा इस पे। अब सॉर्ट करेंगे, ठीक है जी, तो आप ये देखेंगे जो ब्लैंक वाले थे वो कहाँ चले गए, हमारे नीचे चले गए। ठीक है जी, सेम चीज फिल्टर में भी अप्लाई होती है, अगर बीच में अगर गैप हो तो हम यही वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब फिल्टर पे आते हैं, हमारा सॉर्टिंग में इतना ही है, फिल्टर पे आते हैं। फिल्टर के सबसे पहले फिल्टर लगाते कैसे हैं, फिल्टर लगाने के शॉर्टकट्स क्या है हमारे पास? एक है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट एल से लगा भी सकते हैं हटा भी सकते हैं। दूसरा जो मैंने बताए थे ऑल्ट की वाले जो होते हैं, मैंने ऑल्ट दबाया एच दबाया और यहाँ पे आ रहा है सॉर्टिंग फिल्टर में एस, ऑल्ट एच एस एफ, तो एक ये शॉर्टकट हो गया ऑल्ट एच एस एफ हटाने के लिए। दूसरा जो हम देख रहे हैं कि हमारे डेटा में भी है फिल्टर यहाँ, तो इसके लिए क्या है ऑल्ट ए टी, यहाँ से भी फिल्टर लग जाता है। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन है फिल्टर लगाने के। दूसरा मैंने क्या कर रखा है, एक अपने शॉर्टकट में भी यहाँ फिल्टर लगा रखा है, शॉर्टकट में भी मैंने ले लिया है, एक बटन के तौर पर बना दिया है ताकि मैं एक ही बार में लगा पाऊँ, ये भी कर सकते हैं। दूसरा आल्ट की प्रेस करेंगे तो इस पर 5 नंबर आ रहा है पहले से, तो मैं 5 दबाऊंगा तो भी लग जाएगा। तो कितने शॉर्टकट आप खुद बना लें, कितना आप सब कुछ कर लें उस हिसाब से। देन चलते हैं सॉर्टिंग फिल्टरेशन पे। फिल्टरेशन में हम देखेंगे जो हमारा डेट फील्ड है, यहाँ ये नाम दे रहा है डेट फिल्टर, जिस फील्ड में टेक्स्ट है वहां दे रहा है नाम टेक्स्ट फिल्टर, और जिसमें नंबर है वहां दे रहा है नंबर फिल्टर। जो तीन अलग अलग तरह की फंक्शनैलिटी आपका फिल्टर करता है, पहली जो जनरल फॉर्मेलिटी मैं दिखा रहा हूँ वो आप फिल्टर बाय कलर भी कर सकते हैं, जो मैंने कलर के ऑप्शन दिखाए थे आपको, यहां से भी चूज कर सकते हैं आप, फिल्टर कर सकते हैं डेटा को। ठीक है जी, देन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेट से, डेट फिल्टर से। अब डेट फिल्टर में क्या होता है कि अभी हमारी डेट को बढ़ा लेते हैं कुछ, अब की डेट तक ले आते हैं क्योंकि अभी पूरा नहीं है, इसमें इस डेटा को थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि हमारे करंट डेट हो तो वो भी शामिल हो जाए। एक तो मैं टुडे की डेट डाल देता हूँ, एक मैं डाल देता हूँ टुमारो की, यस्टरडे की, एक टुमारो की डाल देता हूँ ताकि मेरे फिल्टर में ये ऑप्शन आपको दिखा सके। ठीक है जी,
मेरे पास यहाँ पे डेटा हो गया। नेक्स्ट डेट फिल्टर पे चलते हैं। डेट फिल्टर में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहा है ईयर, इस प्लस के साइन को क्लिक करेंगे, इसके अंदर के अवेलेबल मंथ दिखाएगा। देन इस प्लस को, मंथ के प्लस को आप खोलेंगे तो अवेलेबल डेट्स दिखाएगा जो भी इसमें होंगी। तो आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, जैसे आपको लेना है किसी फाइनेंशियल ईयर का सिलेक्शन लेना है। सपोज आप लेना चाहते हैं मार्च 2013 से लेकर, मार्च 2013 से लेना चाहते हैं, इसका मैंने प्लस सिलेक्ट किया, अंदर के भी सारे प्लस हो गए, ऊपर के ये हटा दिए मैंने, तो मार्च से ले लिया डाटा या अप्रैल से ले लिया। अप्रैल से डाटा यहाँ ले लिया। देन मुझे क्या करना है, 2014 में जनवरी फरवरी मार्च ये तीन सिलेक्ट करने हैं। ओके, तो ये एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। ये आपको बेसिकली मैं सिलेक्शन के लिए ही बता रहा हूँ, हालांकि ऐसा होता नहीं। कई बार जब आपका डेट फॉर्मेट गड़बड़ होता है, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कुछ, हमारे इंडियन सिस्टम में जो लोग हैं डेट इस तरह से दे देते हैं, ठीक है जी। अब ये डेट तो है नहीं, डॉट लगा के दे देते हैं। अब इसको कैसे समझा जाए, अब यहाँ पे जो भी देखेंगे, जो आपके प्लस माइनस में आ रहे हैं वो ठीक है, तो आपकी एरर वाली डेट है वो आपकी अलग से दिखाई दे जाएंगी, ठीक है जी, क्योंकि उसने डेट में कन्वर्ट किया ही नहीं है इसको, ये डेट है ही नहीं। मान लीजिए ऐसी कोई डेट होती है आपको सही करना है, कैसे करेंगे आप, इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए जो आपकी एरर वाली डेट्स हैं। आपको क्या करना है, खाली फिल्टर लगाना है, बाकी सारी हटा देनी, प्रॉब्लमेटिक डेट्स उठा लेनी। ओके कर दिया आपने, डेटा में गए, टेक्स्ट टू कॉलम का एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, टेक्स्ट टू कॉलम किया हमने, नेक्स्ट किया, एंड इसमें हम क्या चूज करेंगे, एक बार और नेक्स्ट कर देंगे, तो हमारे पास MDY है, इसकी जगह कर देंगे DMY, डेट में DMY कर देंगे, फिनिश कर देगा। आपकी जो डेट गलत फॉर्मेट में दिखा रहा था वो अपने आप ही कन्वर्ट हो गई, सारी की सारी आ गई, एक झटके में आपके डेट के गलत फॉर्मेट जो है सही हो गए, ठीक है जी। जरूरी नहीं फिल्टर लगा के करें, चाहे आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर गलत डेट्स हैं सिलेक्ट करके टेक्स्ट टू कॉलम आप यूज कर सकते हैं उसमें। सपोज आपके पास कुछ गलत डेट्स हैं, अब गलत डेट्स से मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है ना, जैसे मेरा यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्मल फॉर्मेट में इसको इधर देख रहे हैं, तो सितंबर पहले लिखा हुआ है, 3 बीच में 2008, इस चक्कर में क्या होता है कई बार गलत एंट्री हो जाती है। अब मान लीजिए इसी तरह से आपने क्या कर दिया, डेट आगे डाली, मंथ इधर डाला, पर इसमें डेट इधर उठा ली, मंथ जो है डेट में उठा लिया, तो उसको बदलने के लिए करना है, जैसे 3 सितंबर है और जो डेट डालना चाह रहे थे हम वो 9 मार्च डालना चाह रहे थे, तो क्या करेंगे, वापस टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यही डेट को हम DMY में सिलेक्ट कर देंगे, फिनिश। तो आपकी 9 मार्च आ गई, 13 सितंबर आ गया, 13 सितंबर जो डेट पहले से पड़ी हुई है, ठीक ठाक पड़ी है, उसको नहीं छेड़ेगा, जो गड़बड़ होगी उसको पकड़ लेगा, ठीक है जी। तो टेक्स्ट टू कॉलम का अगर आपका फॉर्मेट भी गलत है, अगर आपने डॉट में भी एंट्री की है तो उसको पकड़ लेगा। आपको बस ये बताना है कि आपकी किस फॉर्मेट में एंट्री है, DMY मतलब डेट मंथ ईयर, इस फॉर्मेट में एंट्री है, बाकी उसको डेट में वो खुद बदल देगा, DMY फिनिश, बदल दिया, ठीक है जी। तो डेट को सर रेक्टिफाई कैसे करना है हम जान गए, ये यहाँ यूज करना आ गया हमें कि कैसे सिलेक्शन लेना है। अब चलते हैं थोड़े से एडवांस ऑप्शन पे। डेट फिल्टर में आ रहा है हमारे इक्वल टू, इक्वल टू ये हमारे पास डेट पिकर है, यहाँ से कोई भी डेट हो, हम कहते हैं 1 जुलाई के बराबर कोई डेट हो, इक्वल टू अगर है तो फिल्टर में आ जाएगी, नहीं है तो नहीं आएगी।
वापस चलते हैं इक्वल टू पे, अवेलेबल डेट्स आपको यहाँ पे दिखा देगा, जो भी आपके लिस्ट में होगी वो यहाँ दिखा देगा। मैंने कहा ये वाली डेट है, इक्वल टू सिलेक्ट किया, आपकी फिल्टर हो गई। हालांकि इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, वैसे ही कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बिफोर, ये यूजेबल चीज़ है। हमने कहा कि 2 दिसंबर से पहले की जितने भी डेट हैं वो दिखा दें, 2 दिसंबर 2008 से पहले की, तो ये दिखा दें बिफोर में। नेक्स्ट गए हम आफ्टर में, हमने कहा कि 14 फरवरी के बाद की जितनी डेट है वो दिखा दे, 14 फरवरी के बाद की जितनी डेट है वो दिखा दे 2014 की। और हमने कहा बिटवीन, बिटवीन में हम कोई एक रेंज दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया 1 मार्च से उतना, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं जो भी रेंज चूज करेंगे, कि आफ्टर 9 अगस्त 9 और बिफोर 5 जुलाई 10, तो बिटवीन की जो डेट्स हैं वो इसके अंदर आ गई, जो मैंने पीरियड सिलेक्ट किया था उसके बिटवीन की डेट्स आ गई इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं टुमारो, जो कल आने वाली है, ये फिल्टर भी अब कल खोलेंगे तो कुछ और ही डेटा दिखाएगा, नेक्स्ट डे की दिखा देगा। देन आपका टुडे, आज की डेट वाला फिल्टर है, टुडे में खोल देगा। यस्टरडे, कल की डेट में वाला जो फिल्टर है वो खोल देगा, जहाँ आपकी जो डेट पड़ी थी यस्टरडे वाली। देन नेक्स्ट वीक, आने वाली वीक की, इसमें कोई डेट नहीं है क्योंकि 10-10 दिन का गैप चल रहा है, तो इसमें कोई डेट नहीं है उसके लायक। दिस वीक, इस हफ्ते की डेट्स बता देगा आपको, ठीक है जी। 26 जुलाई भी, क्योंकि ये इस हफ्ते में बिलोंग कर रही है। लास्ट वीक, बीते हुए हफ्ते की। नेक्स्ट मंथ, अगले महीना की। तो दिस मंथ, इस महीने की। लास्ट मंथ, पिछले महीने की। नेक्स्ट क्वार्टर, आने वाले क्वार्टर की। क्वार्टर हमारा 3-3 महीने का क्वार्टर होता है, तो जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो ईयरली क्वार्टर्स होते हैं उसके हिसाब से आपको ऑटोमेटिक फिल्टर दिखा रहा है। लास्ट क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर, अगले साल का तक तो डेटा ही नहीं है तो इसलिए दिखा नहीं ना। दिस ईयर, दिस ईयर में जो डेटा है वो दिखा दिया इसने। लास्ट ईयर में इसी तरह पिछले का दिखाएगा। ईयर टू डेट, ईयर टू डेट मतलब ईयर की स्टार्टिंग से, जैसे आप 5 जनवरी 14 देख रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग से लेकर आज की डेट तक का डेटा, इससे आगे का आपको नहीं मिलेगा। आज की डेट क्या है, 25 जुलाई है, 25 जुलाई के बाद का डेटा आपको नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है जी। 25 जुलाई ही लास्ट डेट है। नेक्स्ट, उसके बाद ये सारे कर लेते हैं, तो ऑल पीरियड्स, क्वार्टर वन, सारे इयर्स के, जरूरी नहीं एक जगह के, सारे इयर्स के। देन आपके आते हैं इसमें क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री और जनवरी, ऑल इयर्स की जनवरी। देन पूरे मंथ के नाम है, सितंबर, अक्टूबर, ये सब। तो आप यहाँ से डेट फिल्टर में इतना सब कर सकते हैं। देन आपके बढ़ते हैं हम नंबर फिल्टर पे। नंबर फिल्टर में क्या है, नंबर फिल्टर में एक जनरल आपके नंबर से यहाँ से आप वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं सेम चीज पे। एडवांस यहाँ पे आते हैं, इक्वल टू, किसी एक स्पेसिफिक नंबर के इक्वल टू है तो वो फिल्टर कर देगा, आप नंबर दे सकते हैं। डज नॉट इक्वल टू, कि भाई ये छोड़ के बाकी जो मर्जी है वो छोड़ के आपको दे दिया इसने। देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 50 वाले दिखाया तो ग्रेटर देन 50 वाले फिल्टर कर दिए। देन आपका आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब 50 से बड़े और उसके बराबर वाले, तो 50 भी इंक्लूडेड हो गया इसके अंदर। तो इस तरह के आप लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह लेस देन है, लेस देन मैंने कहा कि 20 से नीचे वाले, 20 से नीचे वाले दिखा रहा है। लेस देन और इक्वल टू 20, 20 भी इंक्लूडेड हो जाएगा इसमें, हो गया। देन बिटवीन, किसी स्पेसिफिक नंबर के बीच के, जैसे मैंने कहा 10 से
या मैंने कहा कि 15 से 20, तो 15 से 20 के वाल इसने कर दिए। नेक्स्ट टॉप 10, टॉप 10 में आप टॉप 10 चूज कर सकते हैं, 20 चूज कर सकते हैं, 12 चूज कर, जितना मर्जी चूज कर सकते हैं। तो टॉप 10 आपने सिलेक्ट कर लिए, जो हाईएस्ट वाली वैल्यूज है, जैसा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में था वैसे ही। देन अबव एवरेज, एवरेज वाले टॉप 10 के अंदर ही आपका ये बॉटम 10 भी है, बॉटम 10 आइटम एंड परसेंटेज दोनों चूज कर सकते हैं। परसेंटेज में क्या करेगा, टॉप जैसे मैंने कहा 5%, तो 5% ऑफ डेटा आपका आ जाता है। ठीक है जी। देन अबव एवरेज, एवरेज से अबव वाले, और बिलो एवरेज सेम चीज है आपका। ठीक है जी। तो इस तरह से आप नंबर फिल्टर्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट फिल्टर्स पे। टेक्स्ट फिल्टर्स में मैं आ जाता हूँ, जैसे इक्वल टू, इक्वल टू सेम है, कुछ भी हम फाइंड कर सकते हैं, फरीदाबाद वाले सारे आ गए। डज नॉट इक्वल टू, ये भी सेम है कि कोई दिल्ली छोड़ के सारे आ जाए, दिल्ली छोड़ के आ गए। देन है बिगिंस विद, बिगिंस विद मैंने कहा सिटी जो बिगिंस हो डी से, तो डी वाली सिटीज हैं हमारे पास, मतलब जिसका इनिशियल डी से स्टार्ट हो रहा है वो आ जाए। तो देखते हैं कि कोई और हो रही है ऐसी। मैंने कहा कि जिन सिटीज में ओ हो, अगर मैं इसमें देखना चाहूँ, अभी तो मैं स्टार्ट एंड्स विद में क्या है कि जिन सिटीज में ओ हो तो कंटेंस वाला हम चूज करेंगे। ओ मैंने चूज किया तो ओ वाले आ गए, नोएडा एंड सोनीपत। एंड देन मैं करना चाहता हूँ जैसे जिस नाम की स्टार्टिंग एंडिंग जो है वो पी से हो। ठीक है जी। तो पी की एंडिंग वाले जितने होंगे वो दे देगा। ठीक है जी। तो आप टेक्स्ट के साथ इसमें प्ले कर सकते हैं अपना। देन कंटेंस का मैंने बता ही दिया कि कोई भी स्पेसिफिक एक कीवर्ड हो जिससे आप फिल्टर करना चाहें, कोई भी टेक्स्ट हो हल्का सा कि उसके अंदर होना चाहिए ये चीज़ जी। ठीक है जी। देन डज नॉट कंटेन, अगर जीत नहीं हो बाकी सब। ठीक है जी। तो रेस्ट ऑफ डेटा आपको दिखा देगा यहाँ। देन अब बात कर, तो ये आपके टेक्स्ट फिल्टर हैं सारे। ठीक है जी। तो टेक्स्ट फिल्टर्स आपके खत्म होते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिल्टर एंड सॉर्टिंग का एपिसोड है वो यहीं खत्म होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज का टॉपिक जो था सॉर्टिंग फिल्टर्स था। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। गया एक टॉपिक, एक चीज और मैं दिखाना भूल गया आपको, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सॉर्टिंग में हमने आपको देखा है, यूज करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास मंथ है, देखिए मंथ कैसे निकालेंगे, इनके सामने जो है ना मंथ मैं कैसे निकालता हूँ, टेक्स्ट का फॉर्मूला डाला मैंने। ठीक है जी। जो मैंने कस्टम फॉर्मेट में आपको दिखाया था टेक्स्ट का फॉर्मूला, कस्टम फॉर्मेट में जो आप फॉर्मेट्स यूज करते हैं वो आप डेटा की विजिबिलिटी को चेंज नहीं, विजिबिलिटी को चेंज करता, रियलिटी को नहीं चेंज करता, बट ये टेक्स्ट का फॉर्मूला उसकी रियलिटी को चेंज करता है। ठीक है जी। तो जो भी फॉर्मेट देंगे हम, मैंने दिया MMM फॉर एब्रीवेटेड मंथ नेम। तो मेरे पास आ गया मंथ नेम, मैंने ये फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग कर दिया एंड यहाँ वैल्यूज पेस्ट एज वैल्यूज कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि मुझे यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है जनवरी फरवरी से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके देखें कैसे होगा। मैं यहाँ से कोई भी सॉर्टिंग लगाता हूँ, क्या हो रहा है, अप्रैल हो जा रहा है, अगस्त हो रहा है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है। अगर मुझे इसको करना है जनवरी फरवरी मार्च तो कैसे करूँगा।
तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं, हम कस्टम सॉर्ट में जाएंगे। मंथ का हमने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आपके पास है ए टू जेड, जेड टू है, ये दो ऑप्शन। उसके बाद है कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट के हमने क्या पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि हम कोई भी नेम सेव कर सकते हैं, तो इसमें सिंपली रेफरेंस में ये जनवरी फरवरी का दे देगा हम। ठीक है जी, ओके ओके आ गया जनवरी फरवरी। तो मतलब ये आपको इतनी अच्छी पावर देता है कि अगर आपके पास एम्प्लॉय का डेटाबेस है और उसमें रैंक लिखी हुई है कि जीएम, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, तो आप उसको उसी ऑर्डर में लिख के कस्टम लिस्ट में सेव करा दीजिए और फिर आप पूरा डेटा रैंक वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं। मतलब जो चीज वैसे पॉसिबल नहीं है उसको ऐसे पॉसिबल बनाया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये कस्टम लिस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है जी, तो इसमें और कुछ नहीं। फाइंड एंड मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो डेटा मेरा सिलेक्टेड है उसमें क्या करना है, फाइंड एंड सिलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे, देन विजिबल सेल्स ओनली सिलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब है कि जो डेटा आपने सिलेक्ट किया है, सिलेक्शन जो मेक किया है, वो जो रो दिख रही है केवल उन्हीं पे हो जाए। तो क्योंकि जब आप इसको अगर टेस्ट करना है कंट्रोल सी दबाएंगे तो ये लाइन्स आप देख रहे हैं चमकती हुई, इसका मतलब है कि आपका डेटा पार्शली कॉपीड हुआ है। अब आपका सही कॉपी हुआ है, अब आप पेस्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा डेटा नहीं आएगा। ठीक है जी, नहीं सर ये तो हम लोग करते हैं, एक्चुअली मेरा डाउट ये था कि जैसे हम लोग केवल कॉपी पेस्ट करते हैं ना, हाँ जी, जब डाटा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं तो सारा उठाता है। विजिबल सेल को मैं अगर नहीं भी करूं और सिर्फ कंट्रोल सी करके कंट्रोल एंटर कर दूं तो वो उठा देता है कई बार डाटा। अब तो ये सारा वैसे ले गया, अब कि मैं इसमें क्या करता हूँ, जब आपकी सारे का सारा क्या कहते हैं ये अपने पुराने मोड पे वापस नहीं जाएगा, पुराने मोड पे नहीं जाएगा ये, क्योंकि एक बार सही सिलेक्शन लेने के बाद ये सही लेता है। हाँ अब इसने पहले ले लिया, ठीक है जी, पहले वाला हिसाब किताब हो, क्योंकि बीच में कोई लाइनें नहीं है। देखते हैं कंट्रोल एंटर पे सही आता है, नहीं आता, नहीं आता सर। कंट्रोल एंटर करते हैं, हेलो प्रवीण जी, कंट्रोल एंटर कर, हाँ कंट्रोल एंटर कर दिया सर। कंट्रोल एंटर मैं कर रहा हूँ बट ले नहीं रहा है मेरे से, यहाँ कुछ नहीं ले रहा, वैसे करके लेते हैं। नहीं यहाँ पे यहीं करता हूँ, ये देखिए नहीं ले रहा। कंट्रोल एंटर तो कोई भी डेटा जैसे मैंने ये टाइप किया इसके लिए होता है। ठीक है जी, ठीक है सर, और कोई हो तो बताइए, बाकी विजिबल सैलरी सही तरीका है। हाँ सर इसमें मैं समझ गया, मैं एक्चुअली हम लोग कंट्रोल, वो सॉरी